नगर निगम में सफाई का काम करने वाले युवक ने एक दूसरी लड़की के प्यार में पागल होकर अपनी पत्नी तथा दो बच्चे को छोड़कर प्रेमिका से शादी रचा लिया। बताया जाता है कि दूसरी शादी रचाने के लिए युवक ने पहली पत्नी और दो बच्चों को पटना स्थित मायके भेज दिया, जबकि प्यार में पागल प्रेमी युवक ने प्रेमिका को उसके घर से भगाकर शादी के बंधन में बांध गया। ये मामला का खुलासा तब हुआ जब प्रेमी युवक के एक दोस्त ने उसकी पहली पत्नी को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पहली पत्नी अपने परिजनों एवं बच्चे को लेकर धनबाद के महिला थाना पहुंच गई, जहां उसके पति की प्रेमिका के परिजन भी पहुंचे हुए थे। इस बाबत पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के परिवार आरोपी प्रेमी युवक के खिलाफ लिखित शिकायत करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वहीं आरोपी युवक अपनी नई नवेली दुल्हन रूपी प्रेमिका के साथ महिला थाना धनबाद पहुंचा हुआ है। अब देखना यह है कि इस मामले का पटाक्षेप कैसे होता है, क्योंकि पहली पत्नी भी थाने में हंगामा और हो हल्ला करती नजर आई, जबकि दूसरी प्रेमिका के परिजन भी आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मन बना रहे हैं। वहीं आरोपी प्रेमी युवक का कहना है कि उसकी पहली पत्नी से लगातार उसका झगड़ा होता रहता था। उसने काफी प्रयास किया कि उसकी पहली पत्नी सुधर जाए और मिलजुल कर रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी, जिसके अजीज होकर उसने दूसरी शादी कर ली। अब देखना यह है कि मामले में महिला पुलिस की भूमिका, थाने की भूमिका क्या हो। जी नहीं, बात यह सही है कि हम भागे, लेकिन इसके ये कि मेरे माँ पापा के साथ रहती थी नहीं ठीक से, अब बोलती थी कि हमको अकेले रखने के लिए, ठीक है, और जब तब लड़ाई करती थी, कहीं भी जाए तो लड़ाई करती थी, उसके लगा के सक जाती, और गलत भी थी लड़की। ऐसा बात है, हम ही भेजे हैं, हम ही बोल रहे कि हम भेजे, लेकिन इसको इस कारण भेजे कि सुधरेगी, बहुत दिन इसको भेज के देख चुके हैं, इसका घर वाला बोल के हम थक गए। आज ने 2 साल से जब से शादी करके लिया है तब से वही। कब शादी किया है? 2-3 साल हो रहे। कितने बच्चा? दो बच्चा। अरे इनको जो लेकर भागे शादी किए। कितना दिन पहले? 5 तारीख को। जी, पहले पत्नी को बताया था क्या? उनको बोले थे एक बार। क्या बोले? वो बोलिए कि रहने के लिए। वो पहली पत्नी कहाँ रहती है? पहली पत्नी तो पटना गई। पटना रहती है? हाँ। और दूसरी पत्नी? पहली जो पत्नी है ना मेरी, हाँ, वो यहीं पे रहती थी, लेकिन गई थी पटना, तब हम पूछा। दूसरी पत्नी कहाँ रहने वाली है? माडा को। उनका पहले से शादी शुदा या ये कुमारी? ये पता नहीं। आई हो पटना के साथ? यहाँ क्यों आई हो पटना से? यहाँ को ससुराल है, हमको आदमी शादी करके भाग चुका लड़की। आपका आदमी शादी कर लिया? दूसरा शादी किया? हाँ। वो लड़की कहाँ की है? कहाँ की है वो लड़की? यहीं पर शादी किया। अरे कहाँ रहती है वो? कहाँ रहती है? भाई इसका जानता है, पता नहीं। तो वो क्या, वो शादी शुदा है, कुंवारी है? नहीं, शादी शुदा है। क्या नाम है आपका पति का? पति का राज नाम है। लड़की का? लड़की का ममता नाम। अच्छा, कब शादी किया? कल किया। अच्छा, तो पति आपका यहाँ क्या करता है? काम करता है, कचरा लगा रही। तो आप लोगों को कैसे मालूम चला? उसका दोस्त फोन करके बोला दिया, अलग से खबर नहीं दिया हम लोग। तो पटना से कहाँ से आए आप लोग? पटना से आए धनबाद, पटना एयरपोर्ट। आपका क्या नाम है? हमको सीमा नाम है। कितना बच्चे आपके हैं? 2 बच्चे, 12 सीजर से। आपका शादी कब हुआ था? हमको शादी के 3 साल हो गया, 3 बरस। तो ये दोबारा शादी कर लिया? दोबारा शादी किया, चिटिंगबाजी से करके हमको भेज दिया 5 दिन के लिए। 5 दिन बात मार लिया, लेंगे हम फोन करेंगे आइए, तो फोन नहीं उठा रहा। उसका दोस्त हमको खबर दिया कि भैया शादी करके भाग चुका। फोन पर सूचना दिया था? फोन पर। ये लोग खबर नहीं दिया, उसका दोस्त खबर दिया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते गोतनी पर नहीं रहेंगे, उसको बुलाएंगे, यही चाह रहे। हमको हमको सास ससुर बहुत दरकार के, ससुर माता है, ससुर जरायला बोलता है, ससुर जरायला बोलता है, आग लगा देंगे तो फसला मारेंगे, जहाँ कर देंगे। हम सोच रहे कालेज पूरा बन जाएगा सही से, और कालेज बनेगा तो इसके ऊपर हम